कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के साले में संचालित किए जा रहे बालक छात्रावास लापरवाही के चलते अव्यवस्थाओं के शिकार हो रहा है। सबसे खराब स्थिति में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित साले की है। यह छात्रावास में अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। यहां मौजूद छात्रावास के अधीक्षक हमेशा गायब रहते हैं, जिससे यहां की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चलती है। बच्चों ने बताया कि छात्रावास अधीक्षक अपने निजी घर भानु प्रतापपुर में ही रहते हैं। दिन को स्कूल संचालित होता है, तब कभी कभी आते हैं। साले में मौजूद बालक छात्रावास का जायजा लिया तो यहां पदस्थ अधीक्षक सोमेश ठाकुर नदारद रहे। यहां पर 50 मीटर छात्रावास में मात्र 27 छात्र ही थे। छात्रों के कमरे की खिड़कियां तक टूटी हुई थी। पंखे इतने धीमे धीमे चल रहे थे कि उससे नाक मात्र की भी हवा नहीं आ रही थी। बिस्तर में बिछाने के लायक चादर भी नहीं थी। छात्र कुंदन कुमार ने बताया कि अधीक्षक कभी कभी दिन को आते हैं, हमेशा नदारद रहते हैं। हमें रात को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि छात्रावास में राशन तो था, लेकिन चावल की गुणवत्ता देखते ही आप सभी समझ जाएंगे कि चावल को वो किस तरह से खाते थे। पूरी तरह से सड़ा हुआ चावल, हरी सब्जी का तो नाम नहीं था। बच्चों ने बताया कि चना भी है, वह राशन दुकान की है, जो रमन सरकार के समय मिलता था, पूरी तरह घुन लग गया है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते जरूर हैं, लेकिन इनके साथ अधीक्षक नहीं रहते। वे भानु प्रतापपुर से आते हैं। यहाँ पर खेलने के लिए किट उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में हमने मंडल संयोजक नीलम उएके को फोन किया तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है, जांच करेंगे, लेकिन आप खबर मत बनाना, उससे गलत संदेशा जाता है। उन्होंने आदिवासी सहायक आयुक्त का संपर्क नंबर देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि छात्रावास की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से बाथरूम की सफाई नहीं हुई है। बच्चों ने बताया कि पानी की समस्या के चलते बाथरूम की सफाई नहीं हो पाती है। बताया गया है कि यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक कभी कभी ही आकर निरीक्षण करते हैं, जिससे यहाँ की व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।